तो इधर देख सकते हैं हमारा आस्तिक बाबू कुछ ज्यादा परेशान कर रहा है। आस्तिक बाबू बाय बाय करो। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मालती मिट्टी का चूल्हा बना रही हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मालती फाइनली चूल्हे को एकदम सहला रही हैं, गिदहरा की तरह तेल लगा रही हैं उसको। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मालती कुछ कर रही हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं क्या करने वाली हैं, जो कि मिट्टी से, यानी कि यहाँ के जो हमारे यहाँ की मिट्टी होती है, मिट्टी से मालती कुछ बना रही हैं। तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे मालती क्या बना रही हैं। तो आइए आप सब ब्लॉग में बने रहिए और दिखाते हैं मालती क्या कर रही हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मालती मिट्टी का चूल्हा बना रही हैं। मालती क्या बना रही हो? चूल्हा। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मालती मिट्टी का चूल्हा बना रही हैं। दोस्तों इधर देख सकते हैं हमारा आस्तिक बाबू कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है। आस्तिक बाबू बाय बाय करो। तो दोस्तों इधर देख लीजिए, दोस्तों बाय बाय कर रहा है, इधर मालती चूल्हा बना रहे हैं, इनको भी परेशान कर रहा था, मिट्टी लगा लेता है हाथ में। मालती कैसे बनता है चूल्हा? देखा इसे बना। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं, आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इधर आस्तिक बाबू बहुत ज़्यादा, उधर से आओ आस्तिक बाबू, उधर से आओ। तो दोस्तों देख सकते हैं चूल्हा कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो भाई, चैनल को क्या करना है मालती? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह नए अंदाज में और विलेज ब्लॉग बनाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग गांव से हैं भाई, गांव से ब्लॉग करते हैं, गांव से रिलेटेड ब्लॉग वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए और कुछ दिखाएंगे मालती बाइक वाले कैमरे से, मालती किस तरह से उसकी लिपाई कर रही है चूल्हे की। चलिए आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मालती फाइनली चूल्हे को एकदम सहला रहे हैं, गिदहरा की तरह तेल लगा रही हैं उसको। तो बताओ जो भैया लोगन, हमारा चूल्हा कैसे लगा था? चूल्हा कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों भैया हम देहाती गंवार है, ये पढ़ा लिखा हम जो बतावा थे, जिसे हम बोला थे इसे हमारी भाषा है, और कमेंट करके प्यारा प्यारा कमेंट करके बतावा जा हमारा चूल्हा कैसे है। दोस्तों इधर एक चूल्हे की लिपाई पुताई हो गई है, अभी पूरी तरह से लिपाई पुताई नहीं हुई है, जब ये सूखा हो जाएगा उसके बाद तब लिपाई पुताई होगी, लेकिन फिर मतलब अभी कल ही बना है, ताज़ा है अभी, कल ये शाम को बनाया गया है उधर, और एक चूल्हा और बना रहे हैं उधर। आइए आप सब बने रहिए, दिखाते हैं। ये किसके लिए बना रही हो मालती? तो दोस्तों ये पड़ोसी का है हमारा, एक उधर हमारा है। पड़ोसी का, वो पड़ोसनी क्या? किसका है? नानी का है। नानी का है। तो दोस्तों इधर नानी के लिए बन रहा है चूल्हा, और इधर आस्तिक बाबू तो चूल्हा एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। बाय इधर बाय करने आ गया है टक्कल, मेरा टक्कल बाय बाय कर रहा है, आप लोगों से देख लीजिए, बाय बाय करो। क्या खिला रहे हो दोस्तों को? क्या लिए हो? इसको दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, मैं चाउमीन लिया हूँ, छोटा सा पैकेट वाला चाउमीन, जिसको जिसको खाना है कमेंट में बताइए। मेरा आस्तिक बाबू चाउमीन खाता है बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को भी खिला देगा। तो कैसा लग रहा है? इधर देखिए मालती, जिसको आइए जिसको मिट्टी में खेलना पसंद हो, मालती मिट्टी से खेल रही है, और आप लोगों को भी मिट्टी में खिलाएंगी। इधर देखिए माटी की मिट्टी की सनैया हो रही है। इधर तसला भी रखा गया है, उसमें पानी है, पानी डाल के उसे सान रही, फिर उसके बाद फिनिशिंग कर रही हैं। इसके बाद थोड़ा और फिनिशिंग होगा ना मालती? अब ना फिनिशिंग हुए, आज जब साई तो पोती जाए, तो ये का जब रखा भी पे खाना बने तब सही पोती जाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारे गांव का नेचुरल चूल्हा जिसपे खाना बनाया जाता है। चूल्हे का खाना दोस्तों काफ़ी टेस्टी होता है खाने में। इब्री तो आशा करते हैं जीरा डारा ना तो वो बहुत मस्त लगे खाने। तो दोस्तों चूल्हे का खाना काफ़ी टेस्टी होता है, और आप आशा करते हैं कि आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों चूल्हा पूरी तरह से नहीं दिखा पाए दोस्तों, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम घर पे नहीं थे, नहीं तो कैसे क्या तैयार होता है पूरा दिखाते आप लोगों को, पूरा दिखाने का प्रयास भी करते।
तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 दोस्तों।